सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं 6% और 8% टर्नओवर अंडर सेक्शन 44AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ जी दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न को बनाते हैं तो 6% और 8% की टर्नओवर में रखनी होती है प्रेजेंटिव इनकम के अंदर। तो क्या है ये, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा गूगल ड्राइव सर्टिफिकेशन कोर्स स्टे होम लर्न ऑनलाइन। अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट में आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स पे, और 20% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जल्दी कीजिए, 3 बजे तक ये ऑफर है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों, बात करूं प्रेजेंटिव इनकम। हाँ जी दोस्तों, एज पर सेक्शन 44AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है, प्रोफेशन का काम कर रहा है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसे मेंटेन करना होता है, ठीक है, और बुक्स ऑफ ऑडिट भी करना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 44AD पे उनको राहत देता है और प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक स्कीम देता है जिसे प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं अंडर सेक्शन 44AD के अंदर। ध्यान से समझना, इसका बेनिफिट क्या है। वो एसएससी जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है सेक्शन 44AB के अंदर, ठीक है। तो ये बेनिफिट उसको मिल जाता है। बात करें कौन कौन से पर्सन होंगे एलिजिबल सेक्शन 44AD के अंदर। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एक रेजिडेंट इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एक रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के, ठीक है। सो दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस स्कीम को एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता, ठीक है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं ले सकती, और जो जिसने पर्सन जो क्लेम कर रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA या फिर सेक्शन 80HH, 80RB उस रिलेवेंट ईयर का, तो वो इस स्कीम को नहीं ले सकता अगर वो डिडक्शन इनमें से कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो, ठीक है। बाकी ये जो पर्सन है ये इस स्कीम को ले सकते हैं। इस स्कीम में क्या होता है, वो सभी ऐसे जिसकी 2 करोड़ से कम की टर्नओवर है प्रेजेंटिव बेसिस पे अपने इनकम के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी जो इनकम होती है अगर वो डिजिटली उन्होंने रिसीव करी है तो 6% माना जाएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट का, और अगर उन्होंने कैश रिसीव किया है तो 8% होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगर कम होती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना पड़ सकता है, फिर सेक्शन 44AD के अंदर नहीं आएंगे ये। तो जब आप IDR फाइल करते हैं तो इस तरह से आपको डिटेल देनी पड़ती है, डिजिटली जो भी आपने ग्रोथ रिसीट्स करी है उसकी डिटेल आप यहाँ दे देंगे, और एनी अदर मोड दैट मीन्स अगर आपने कैश रिसीव करी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे देंगे। उसके हिसाब से 6% हो गया ई का, दैट मीन्स डिजिटली अगर आपने रिसीव करी है उसका 6% और जो आपने कैश रिसीव किया उसका 8%, इतने की आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो सेक्शन 44AD के अंदर आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। बात करूं मैं सेक्शन 44AD के अंदर आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप 6% या 8% से कम की टर्नओवर दिखाते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 44AB के अंदर ऑडिट करना पड़ सकता है, और इसके अलावा जो ITR है वो आपको फाइल करना पड़ सकता है। बेसिकली बात करूं 6% और 8% की जो टर्नओवर है ये प्रेजेंटिव इनकम के अंदर आती है सेक्शन 44AD के अंदर, जहाँ पे आपको 2 रेट मिल जाते हैं 6% और 8%, उसके हिसाब से अपनी इनकम के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करके टैक्स जमा कराते हैं। दोस्तों ये थी एक अच्छी वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।